हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं वेदांत और वेलकम है आपका टेक्नो वेदांत चैनल में। आज मैं आपको बताऊंगा कि आप अपना खुद का यूआरएल शॉर्टनर कैसे क्रिएट कर सकते हैं। आपको किसी भी वेबसाइट को यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी वेबसाइट का, यूट्यूब के चैनल का या फिर कोई भी ऐसी स्क्रिप्ट है, वीडियोज़ है, उनका लिंक डायरेक्ट यूआरएल शॉर्टनर के थ्रू शॉर्ट कर सकते हैं। जैसे कि आप सब जानते हैं, गूगल का भी यूआरएल शॉर्टनर सर्विस है और नेक्स्ट ईयर ये अपनी सर्विस को बंद कर रहे हैं। नॉर्मली इसमें हम क्या करते हैं फ्रेंड्स, अपने यूआरएल को कॉपी करते हैं, यहाँ पे इसको पेस्ट करने के बाद उसको शॉर्ट कर देते हैं और उसके बाद इस लिंक को हम अपनी वेबसाइट में, अपने यूट्यूब की डिस्क्रिप्शन में या कहीं पे भी पेस्ट कर देते हैं। नॉर्मली मैं भी ऐसे ही करता हूँ। जब मैं किसी सॉफ्टवेयर के ऊपर या फिर किसी स्क्रिप्ट के ऊपर वीडियो बनाता हूँ तो मैं अपनी वेबसाइट का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, जहाँ से आप उसे क्लिक करके मेरी वेबसाइट पे आते हैं, उस सॉफ्टवेयर को या फिर उस स्क्रिप्ट को डाउनलोड करते हैं। अभी कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो अपलोड करा था और डिस्क्रिप्शन में मैंने अपनी वेबसाइट का लिंक दिया था। आप ये देख सकते हैं, ये गूगल का ही यूआरएल शॉर्टनर मैंने यूज़ करा है। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको यही बताऊंगा कि आप अपना खुद का यूआरएल शॉर्टनर कैसे क्रिएट कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में, विदाउट एनी कोडिंग। आपको जस्ट कुछ सिंपल क्लिक्स करने हैं और आपका यूआरएल शॉर्ट हो जाएगा। अगर आप इस बारे में और जानना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। और मैं अपने सब्सक्राइबर्स को थैंक्स करना चाहता हूं कि उन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करा। और जो मेरे चैनल पे अभी न्यू है, मैं उनको बताना चाहता हूं कि मेरे चैनल में आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियोस मिलेंगे और मैं आपके लिए आगे ऐसे ही टॉपिक्स लेके आया करूंगा जिससे आपको बेनिफिट मिलेगा और काफ़ी यूजफुल होंगे। तो इसलिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और ये जो बेल का आइकॉन देख रहे हैं इसको प्रेस करें, क्योंकि सब्सक्राइब करने से आपको मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। जब आप इस बेल के आइकन को प्रेस करेंगे तो आपको मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलेगी। सबसे पहले आपके पास एक डोमेन नेम होना चाहिए और चाहे आप उसे परचेस कर सकते हैं या फिर इस वेबसाइट के थ्रू आप उसे फ्री में भी क्रिएट कर सकते हैं। इस वेबसाइट पर मैंने और भी वीडियोस बना रखे हैं, चाहे तो आप उन्हें देख सकते हैं या फिर जैसे जैसे मैं इसमें स्टेप्स बता रहा हूँ आप उनको फॉलो करिए। इस वेबसाइट में आपको रजिस्टर करना है और उसके बाद ये सर्विसेज में जाना है। सर्विसेज में जाने के बाद रजिस्टर अ न्यू डोमेन, उसके बाद आपको यहाँ पे डोमेन को सर्च करना है। फ्रेंड्स, मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, आप ध्यान से देखिए, जो यूआरएल शॉर्टनर के जितने भी प्लेटफॉर्म हैं उनके जो यूआरएल है वो बहुत ही शॉर्ट है। मींस गूगल ने अपना ई को हटा के GOO.GL कर दिया, तो आपको भी बहुत शॉर्ट ही यूआरएल सर्च करना है। जैसे मेरा नाम वेदांत है, मैं यहाँ पे वेद कर देता हूँ और यहाँ से उसको चेक करता हूँ। वेद के नाम से फ्रेंड्स मुझे बिल्कुल भी नहीं मिल रहा है, यहाँ तो $500 मांग रहा है, ये स्पेशल है। यहाँ पे वेदा टाइप करता हूँ और उसके बाद चेक करते हैं क्या ये डोमेन नेम अवेलेबल है या नहीं। यस फ्रेंड, ये अवेलेबल है .ml में, बाकी और किसी में अवेलेबल नहीं है। तो आपको भी बहुत ही शॉर्ट नेम सर्च करना है। आप कुछ भी सर्च कर सकते हैं, शॉर्ट लिख सकते हैं, फ्लाई लिख सकते हैं या फिर अपना जो नेम है या चैनल का नेम है उसके फर्स्ट फोर लेटर लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ गेट इट नाउ पे क्लिक करना है। उसके बाद आप देख रहे हो ऊपर ये चेकआउट की ऑप्शन हाईलाइट हो चुके हैं, यहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद नेक्स्ट पेज ओपन होगा, यहाँ से आपको ये कितने टाइम पीरियड के लिए फ्री चाहिए आप उसमें क्लिक करेंगे और कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद ये पेज ओपन हो गया। उसके बाद इसको स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपने यहाँ पे आई हैव रीड एंड एग्री के यहाँ पे बॉक्स पे टिक करना है और कंप्लीट ऑर्डर पे क्लिक कर देना है। कुछ ही सेकंड के अंदर आपका ये ऑर्डर कंप्लीट हो जाएगा और आपका ये डोमेन नेम कंफर्म हो जाएगा। ये देखिए, इतने में मेरे पास मैसेज भी आ गया। और उसके बाद आपने सर्विसेज पे जाना है और माई डोमेन पे क्लिक कर देना है। अभी मैंने जो बुक करा है veda.ml वो एक्टिवेट हो चुका है। अब इस डोमेन नेम को आपने वेब होस्टिंग के साथ लिंक करना है। आपने चाहे अपनी वेब होस्टिंग को परचेज करा है या फ्री वाली है, आप किसी को भी यूज कर सकते हैं। मैं इस फ्री वेब होस्टिंग पे एक ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप मेरे चैनल पे जाके उसको देख सकते हैं। ये वाले लिंक पे जब आप क्लिक करेंगे तो आप फ्री में वेब होस्टिंग को कैसे यूज कर सकते हैं आपको इसमें सारी डिटेल्स पता लगेंगी। मे बी आने वाले टाइम में फ्रेंड्स मैं एक ऐसी वेब होस्टिंग के बारे में आपको बताऊंगा जिसके अंदर आपको SSL सर्टिफिकेट भी फ्री में मिलेगा, प्लस उसका सी पैनल काफी एडवांस लेवल का होगा और उसमें आपको काफी और बेनिफिट्स भी मिलेंगे। आने वाले टाइम में मैं वो आपको जरूर बताऊंगा। जब आप उस वेब होस्टिंग में रजिस्टर करेंगे उसके बाद जैसे ही आप अपने सी पैनल को ओपन करेंगे तो उसका इंटरफेस आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा। पेज को स्क्रॉल डाउन करके यहाँ पे लिखा है एड ऑन डोमेन्स, इसमें आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स आप अपने डोमेन नेम में जाएंगे और ये मैनेज डोमेन पे क्लिक करेंगे। ये सारा प्रोसीजर मैं अपने प्रीवियस वीडियोस में बता चुका हूं, पर जो मेरे न्यू सब्सक्राइबर हैं या फिर इस वीडियो को जो पहली बार देख रहे हैं उनके लिए काफी इजी होगा कि एक ही वीडियो के अंदर उनको सारा सॉल्यूशन मिल जाएगा। उसके बाद आपने ये मैनेजमेंट टूल्स पे क्लिक करना है और ये नेम सर्वर्स पे क्लिक करना है और यहाँ पे जो है यूज कस्टम नेम सर्वर, इस पे आप क्लिक करेंगे। वापस अपने सी पैनल में आएंगे, आप ये जो नेम सर्वर देख रहे हैं आपने यहाँ से इसको कॉपी करना है और इधर आपने इसको पेस्ट कर देना है।
सेम आपने सेकंड वाले को भी ऐसे ही करना है, कॉपी करना है और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देना है। और उसके बाद ये देख रहे हैं veda.ml, यहाँ पे आप इसको कॉपी करेंगे, पेज को स्क्रॉल डाउन करेंगे और चेंज नेम सर्वर पे आप क्लिक कर देंगे। फिर आप वापस अपने सी पैनल में आएंगे और जो आपने URL कॉपी करा था यहाँ पे आप उसे पेस्ट कर देंगे और ऐड डोमेन पे क्लिक कर देंगे। अब देखेंगे फ्रेंड्स, वापस जहाँ पे आपने डोमेन में नेम सर्वर ऐड करा था वो यहाँ पे लिखा आ गया चेंज सेव सक्सेसफुली। फ्रेंड्स यहाँ पे ये वेदा से एरर शो कर रहा है तो मैंने इसको पूरा कर दिया vedant.ml, इससे ट्राई करके देखते हैं क्या ये रजिस्टर होता है क्या नहीं होता। जैसे मैंने ऐड डोमेन पे क्लिक करा उसके बाद ये कंग्रेचुलेशन यू हैव नाउ एडिड, इसका मतलब फ्रेंड्स मेरा जो डोमेन नेम है वो लिंक हो चुका है मेरी वेब होस्टिंग के अंदर। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने URL शॉर्टनर को कैसे क्रिएट करना है, वो भी विदाउट एनी कोडिंग। आपने ये होम बटन पे क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स ये लिस्ट यहाँ पे शो कर रही है, आपने पेज को स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पे ये जो ऑप्शन देख रहे हैं सॉफ्ट क्लोज एप्स इंस्टॉलर, इस पे आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने ये ऊपर सर्च बार देख रहे हैं, यहाँ पे आपने टाइप करना है YOUR। आप देख रहे हैं आपके पास ये ऑप्शन आ गई, आपने इसमें क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जैसे आप वर्डप्रेस को इंस्टॉल करते हैं सेम वही प्रोसीजर है इसको इंस्टॉल करने का, आपने इसको यहाँ से इंस्टॉल करना है। आपने यहाँ पे उस डोमेन नेम को सिलेक्ट करना है जो आपने क्रिएट करा है, जैसे अभी मैंने vedant.ml को क्रिएट करा है, अब मैं यहाँ से उसको सिलेक्ट करूंगा। यहाँ से इस नेम को आपने डिलीट कर देना है, आप अपनी वेबसाइट का कोई भी नाम दे सकते हैं, मैंने यहाँ पे लिख दिया URL शॉर्टनर। उसके बाद आप यहाँ से इसके पासवर्ड को चेंज कर सकते हैं और इसमें आपने कोई भी चेंजेस नहीं करने और यहाँ से आप इसको इंस्टॉल कर दीजिए। इंस्टॉल पे क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स कुछ ही सेकंड के अंदर ये इंस्टॉल हो गई। उसके बाद मैंने अपनी वेबसाइट को ओपन करा जो अभी रजिस्टर करी थी। यहाँ पे देखिए आपको अपना यूजर नेम और पासवर्ड डालना है, उसके बाद आपने लॉगिन पे क्लिक करना है और आपका ये एडमिन पैनल ओपन हो जाएगा। अब मैं आपको बताता हूँ आपने URL को शॉर्ट कैसे करना है। जिस भी आप वीडियो को, वेबसाइट को, ब्लॉग को या किसी भी ब्लॉग की पोस्ट को शॉर्ट करना चाहते हैं उसके URL को आप यहाँ से कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद आपने उसको इस एरिया में पेस्ट करना है। और फ्रेंड्स एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, जब आप गूगल या किसी भी URL शॉर्टनर में जाके शॉर्ट करते हैं तो आप देखते हैं रैंडमली ये वाला कोड अपने आप जनरेट हो जाता है, पर इस वेबसाइट के अंदर आपको ऑप्शन दी जाएगी कस्टम के लिए कि आप यहाँ पे कोई भी कोड ऐड कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे टाइप करा VTB और उसके बाद आप ये जो बटन देख रहे हैं शॉर्टन द URL, इस पे आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये देखिए फ्रेंड्स डेटाबेस में ये ऐड हो चुका है और मेरा जो शॉर्टनर बना है वो vedant.ml/vtb। आप ये जो देख रहे हैं योर शॉर्ट लिंक ये यहाँ पे शो कर रहा है और ये कॉपी का बटन दिख रहा है। मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ, मैं इस बटन की बात कर रहा हूँ, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। कॉपी करने के बाद एक बार इसको चेक करते हैं क्या ये प्रॉपर वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा। जैसे ही मैंने पेस्ट करके इसको एंटर करा और ये देखिए फ्रेंड्स मेरी वेबसाइट ओपन हो गई और इसी को मैंने कॉपी करा था और यहाँ पे पेस्ट करा था। इसकी डिटेल्स ये यहाँ पे नीचे शो करेगा, आप स्टैट्स में जाके क्लिक चेक कर सकते हैं कि आपके कितने क्लिक हुए। अभी आपके सामने इसको मैंने रजिस्टर करके एक दो क्लिक करे और वो यहाँ पे शो कर रहे हैं। आपको यहाँ से डिटेल्स पता लग जाएगी, लोकेशन पता लग जाएगी कि इस लोकेशन से आपको क्लिक हो रहा है, ट्रैफिक सोर्स क्या है, नो रेफरल डाटा अभी यहाँ पे कुछ शो नहीं कर रहा, चाहे तो आप इसे ट्विटर और फेसबुक पे शेयर भी कर सकते हैं। अब आपको किसी और प्लेटफॉर्म को यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। जब आप अपने यूट्यूब में वीडियोस बनाते हैं किसी भी सॉफ्टवेयर के ऊपर, स्क्रिप्ट के ऊपर या किसी कोडिंग के ऊपर और आप उन चीज़ों को अपनी वेबसाइट में अपलोड करते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप अपने URL शॉर्टनर को यूज़ कर सकते हैं। और बाय डिफ़ॉल्ट ये नीचे 3 URL शॉर्टनर इन्होंने एग्जांपल के तौर पे दिया, आप चाहे तो इस बटन से इसको डिलीट कर दीजिए। और फ्रेंड्स अगर आपने इसको एडिट करना है तो इसमें क्लिक करके आप ये URL शॉर्टनर को सेम ऐसा रहने दीजिए और यहाँ से डोमेन नेम को चेंज कर सकते हैं या फिर इसके URL को भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। आई होप फ्रेंड्स आपको वीडियो ज़रूर अच्छा लगा होगा, मैं आपके ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाता रहूँगा, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और मैं फिर से अपने सब्सक्राइबर का थैंक्स करना चाहता हूँ जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करा। अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है तो मुझे नीचे आप कमेंट करिए, मैं आपको आंसर ज़रूर दूंगा। नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं आपको ज़रूर मिलूंगा, तब तक के लिए जय हिंद।